जो मेरा क्रेडिट बैलेंस है आप देख सकते हो जीरो है, क्योंकि अगर आप लोन लेते हो तो ये जो 45,000 का जो मुझे शॉपिंग का लिमिट मिला हुआ था वो ऑटोमेटिक ही हट जाते हैं। या तो आप शॉपिंग के लिए पैसे ले सकते हो यहाँ पे जो आपको लिमिट मिलता है, या फिर आप लोन ले सकते हो। दोनों में से कोई एक चीज़ ही ले सकते हो, दोनों नहीं ले सकते। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा EMI दिखा रहा है वो 9,965 रुपीज़ का मेरा EMI चल रहा है पर मंथ का, और यहाँ पे ये ड्यू लिखा रहा है यानी कि पे लिखा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे परचेज ऑप्शन पे ले जाके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं परचेज ऑप्शन पे ले जाता हूँ तो यहाँ से पे का ऑप्शन आता है, पर आपको पे नहीं करना है, गलती से भी पे नहीं करना है, नहीं तो आपके बैंक अकाउंट से दो दो बार पैसे कटेंगे। आपको सिंपल EMI ऑप्शन पे आना है, और EMI ऑप्शन पे आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे येलो कलर में लिखा है ऑटो पे इन प्रोसेस, यानी कि आपका जो ऑटो पेमेंट है वो प्रोसेस में है। बिकॉज आज 5 तारीख है यानी कि 5 नवंबर है, और आज के ही दिन मेरा जो 9,965 रुपीज़ है वो मेरे बैंक अकाउंट से कट होने वाले हैं। अगर मैंने यहाँ से पे कर दिया तो अभी पे करने पे 9,965 रुपीज़ तो कटेंगे ही, और ऊपर से ये जो जस्ट मनी वाले हैं वो हमारे बैंक अकाउंट से जो हमने लिंक किया था तो उससे भी वो 9,965 रुपये कट करेंगे। हालांकि अगर आप गलती से पे कर देते हो, कोई नया लोग होता है यानी कि नए नए लोन लिया होता है उनको पता नहीं होता है तो वो डर से पहले ही पेमेंट कर देते हैं, तो पेमेंट करने के बाद जो आपका एक्स्ट्रा मनी जो कट होता है वो आपके बैंक अकाउंट में 5 दिन के अंदर ही वापस सेंड कर दिए जाते हैं। तो आप 5 दिन के लिए अपने पैसे क्यों ही फंसाओगे। इसलिए आपको कभी भी जस्ट मनी से लोन लेते हो या EMI लेते हो तो आपको पे कभी नहीं करना होता है, वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक ही कट कर लेता है। अगर आपको पे करना है तो आप 1 तारीख से हर महीने के मतलब हर महीने के 1 तारीख से पहले पे कर ले, तब आपके जो बैंक अकाउंट में है वो डबल पैसे नहीं कट होंगे, क्योंकि जस्ट मनी 1 तारीख के बाद ही आपके बैंक अकाउंट से प्रोसेसिंग बैलेंस कट करना स्टार्ट कर देता है और 5 तारीख को फाइनली कट कर लेता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जस्ट मनी से लोन लेने के बाद आपको EMI कभी नहीं पे करना होता है, खुद से जस्ट मनी वाले खुद से ही जो है वो आपका बैलेंस कट कर लेता है आपके अकाउंट से। तो मैं अभी आपको दिखा दूं कि मेरे अकाउंट से कितने पैसे कटे हैं। तो मैं उसके लिए सबसे पहले अपने SBI अकाउंट पे ले जाता हूं, क्योंकि मैंने SBI से ई मैंडेट करवा रखा है। आज है 5 नवंबर जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, और ये सारा ट्रांजेक्शन जो है वो 5 नवंबर का ही है। आप देख सकते हो हर ट्रांजेक्शन पे 5 नवंबर लिखा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे ले जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा दूँ तो ये जस्ट मनी लिखा हुआ है, डेबिट जस्ट मनी, यानी कि मैंडेट जो है CMP मैंडेट डेबिट जस्ट मनी, यानी कि जस्ट मनी ने जो मेरा EMI चल रहा है 7,000 का तो वो 7,000 ऑटोमेटिक ही कट कर लिए हैं, और प्लस 3,000 का जो उनका प्रोसेसिंग फीस था। आप कभी भी लोन लेते हो किसी भी बैंक से या किसी भी एप्लीकेशन से तो आपको जो है वो प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। तो 7,000 का तो मेरा EMI का चल रहा है, और 3,000 का जो है ये वन टाइम ही होता है, वन टाइम प्रोसेसिंग फीस कट कर लिए गए हैं। अगर आपको मैनुअली पे करना है तो आप हर महीने के 1 तारीख से पहले कर ले, ताकि आपका जो बैलेंस है वो दो बार नहीं कट होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जस्ट मनी वाले जो है वो पैसे आपके बैंक अकाउंट से हर महीने के 5 तारीख को दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच में कट करते हैं। जैसे कि मेरा जो बैलेंस है वो 12:30 बजे इसने दिन में कट किया है 5 तारीख को। तो कोशिश करना कि 12 बजे से पहले पहले 5 तारीख को पैसे डाल देना, अगर ना हो तो, और अगर हो तो 4 तारीख को ही अपने बैंक अकाउंट में अवेलेबल पैसे रखे, जिस वाले बैंक अकाउंट से आपने ई मैंडेट करवा रखा था। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।